एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स की महिलाओं द्वारा मास्क वितरण व जागरूकता अभियान दोहरे वाली देवी मंदिर पर चलाया गया। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कविता गोयल ने कहा कि नवरात्रों के पावन पर्व पर महिलाएं कोरोना की लड़ाई से लड़ने को आगे आकर अपने परिवार और समाज में भूमिका निभाए। परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाए तो बिना मास्क के न जाने दे और हम लोग भी जब भी आवश्यक कार्य से घर से बाहर जाए तो मास्क पहन कर ही जाए, जिससे हमारे जान माल की सुरक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र की सुरक्षा भी होगी। महिला पदाधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि भारत की वीरांगनाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, अब हमारा समय है हम भी इस कोरोना जैसी महामारी से लड़कर अपने भारत को विजय दिलाएं। महिला संघ से हम लोग आए हैं, आज हम लोग मथुरा रोड मोरे वाली देवी की मंदिर पर, जहां पर हम लोग कोरोना को उसके रोकथाम के लिए यहां पर मास्क वितरण कर रहे हैं। लोग यहां पर बिना मास्क के ऐसे ही घूम रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग बिना मास्क लगाकर घूमें और कोरोना तेजी से फैल रहा है उसके रोकथाम में। जी हम लोग लगातार उनको हम लोग समझाते जा रहे हैं कि आप मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, बार बार हैंड वॉश करिए आप लोग, और बाजार से घर आते हैं सबसे पहले आप अपने कपड़े बदलें और अपनी सफाई का ध्यान रखें। मैं चाली भी अच्छी हूँ, आप इस बीमारी से बच सकते हैं, साथ ही वायरस को अधिक से अधिक फैलाने से भी रोक सकते हैं। तो मास्क का उपयोग आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही दो गज की दूरी भी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मास्क के उपयोग से ही बीमारी से बचे रह सकते हैं, साथ में आपको एक सामाजिक दूरी भी बनानी होगी तथा समय समय पर एक नियमित अंतराल पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, धोते रहे, हैंड वॉश करते रहे, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और हमारे शहर में अभी कोरोना उतना नहीं फैला है, इसलिए जरूरी है कि हम समय पर ही समय पर जान जाएं, जिससे कि आने वाले समय में इस बीमारी से हम अधिक सशक्त होकर लड़ सके और अपने आप को मजबूती प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ADHR के पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद।